हरे कृष्णा स्टूडेंट्स सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट टू दैट इज योर रेस्ट ऑन मोशन दैट इज ऑफ काइनामेटिकोल्ड यू दैट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर काइनामेटिक्स सो आज हम लोग काइनामेटिक्स से शुरू करेंगे सो so, कुछ कुछ हेडिंग्स जो मैं मेरा इस लेक्चर के दौरान मैं कवर करने जा रहा हूँ उसे मैं लिख देता हूँ पहले हम देखेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे फिर हम देखेंगे योर डिस्टेंस जो बेसिस है योर के उसे देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट आपका हो जाता है दैट इज योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटानियस स्पीड देन हम डिस्कस करेंगे एवरेज बेलोसिटी एंड इंस्टेंटानियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटानियस

फिर हमारा है योर मोशन इन ए प्लेन मोशन इन ए प्लेन जिस तक है हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैं लिख देता हूँ लिख लिख देता हूँ फिर भी मोशन इन ए प्लेन बिकॉज इस क्लास में हमारा ये सब हो जाएगा रेस्ट एंड मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी Average acceleration acceleration, and and instantaneous motion motion in plane. Okay. So rest जिस तक मुझे पता है आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि एक ek एक बडी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं एक पार्टिकल हो जाए एक बॉडी हो जाए जो भी हो जाए एक मास भी हो जाए हम कब बोलते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है हम कब बोलते हैं जब इसका पोजिशन डज नॉट चेंज बोलते हैं कि ये बॉडी मेरा रेस्ट में है अगर एक पार्टिकल मैंने ले लिया एक मास है जिसका कि मास एम है इसको मैं रेस्ट कब बोलूंगा जब इसका पोजिशन डज नॉट चेंज ओके इसको मैं क्या बोल दूंगा रेस्ट में बोल दूंगा और एक बॉडी मोशन में जब मोशन में है तब मैं किस बॉडी को मोशन में बोलूंगा जब इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो मैं बोल सकता हूँ मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन और इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कोई बात नहीं ओके? तब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आप जब याद कर याद करिए आप जब ट्रेन में हो या फिर आप बस में ट्रैवल कर रहे होते तब तो, सपोज एक बस है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हैं आप यहाँ पे सीट है और आप बैठे हुए हैं ओके बैठे हुए हैं ओके तो ये जो है आपको अगर एक आप आप आपके अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं तब आपको क्या लगता है आपके दोस्त आपके रेस्पेक्ट में क्या है उसका पोजीशन क्या है रेस्ट में है चेंज तो नहीं हो रहा है वो तो एक ही जगह बैठा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे मेरा दोस्त और मैं रेस्ट में हूं पर जिस व्यक्ति बाहर से आपको देख रहा होगा इस मिरर के दौरान जिस व्यक्ति बाहर रोड में खड़ा होकर जिस व्यक्ति आपको देख रहा होगा वो बो क्या बोलेगा कि आप मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू द आउटसाइडर पर्सन ओके वन कैन से बोल सकता है ये व्यक्ति बोल सकता है कि आप लोग मोशन में है समझते हैं। किस किस तरह से हम रेस्ट एंड मोशन की कंसेप्ट को समझना चाहते हैं उसे आप समझिए ओके okay. अगर मैं बोलूं कि हमारा अर्थ हम लोग अर्थ में रहते हैं प्लानिट में ओके हम लोग क्या कहते हैं जब ही कोई जब, आ, योर स्पेस से हमें देख रहा होगा तो वो क्या बोलेगा तो रेस्ट में है यह लोग भी रेस्ट में हो गए बट यार्थ भी उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ओके कोई भी बड़ी कोई भी बॉडी जो है रिलेटिव

कोई भी बड़ी आपसोल्यूट रेस्ट और आपसोल्यूट मोशन में नहीं है ओके okay? एक वेरी डीप कंसेप्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके okay? ये हो गया मैं आपके आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है ओके सो लेट्स प्रोसीड फॉर्दर एंड सी अबाउट अवर सेकेंड कंटेक्सट दैट इज योर डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट you have already studied this in your high schools okay i'm going to talk about this in details okay so let's start with uh, what do we mean by distance okay if i am saying that there is two point a and here is another point b if i am talking about your distance there are many paths through which i can reach b okay there are many path, many path. I can this be. Suppose this one is my path one, this one is my path two, and this one is my path three. Okay, this one, the third one is a straight line one. Okay. When you are saying distance, remember, you are talking about any arbitrary path. Okay, you are talking about any arbitrary path, any arbitrary path. But When you टॉक अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तब आपको यह पता होना चाहिए कि द मिनिम डिस्टेंस और हम ये भी बोल सकते हैं द मिनिम मिनिमम डिस्टेंस बिट्वीन टू पॉइंट टू पॉइंट इज कॉल्ड इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओके okay? होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है ये यह यही होता है ओके okay? आपको इस टाइम के दौरान t1 और आप यह भी बोल सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि हमें सबसे कम टाइम किस पाथ में लग रहा है आप अगर देखेंगे कि इस टाइम इस थर्ड पाथ में हमें सबसे कम टाइम लगेगा क्योंकि देखिए ये सबसे सटेस्ट पाथ है सबसे कम टाइम किससे लगेगा जब हम सबसे shortest पाथ में ट्रैवल करेंगे तभी तो हमें shortest टाइम लगेंगे इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सबसे shortest टाइम वाला पाथ होता है ओके समझे ओके सो लेट्स सी आवर एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड तो पहले बात करते हैं हमारा एवरेज स्पीड के बारे में एवरेज स्पीड क्या होता है अगर ओके जब हम आवर स्पीड के बारे में हम बात करते हैं तब आवर स्पीड का डेफिनेशन आप पहले नोट कर लीजिए स्पीड स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है ऑफ़ पार्टिकल इन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रावल बाय पार्टिकल डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल ओके डिस्टेंस ट्रैवल

ये ट्रैवल करता है एस डिस्टेंस ओके एस डिस्टेंस से ट्रैवल करता है तो मैं यह बोल सकता हूँ कि मेरा भी एवरेज क्या हो जाएगा योर डिस्टेंस अपन टाइम इंटरवल दैट इज योर टी टू माइनस टी वन इज हंड्रेड यस एवरेज स्पीड जो होता है ना ये मेरा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक गिवन टाइम के लिए ये निकाला जाता है पर हम जब बात करते हैं पर हम जब बात करते हैं अपना स्पीड 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 तब मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करूंगा एवरेज स्पीड में क्या होता है एक टाइम इंटरवल होता है बट इनकेस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बात करूंगा जैसे कि मेरा the instantaneous, the instantaneous

मैं बात करूंगा तभी मैं स्पीड निकालूंगा जो स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ओके द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए टाइम टी इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज योर वी इंस्टेंटेनियस यू कैन राइट इट लाइक दिस इज इक्वल टू योर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डी अपॉन डी ओके, okay. ये होता है मेरा ओके, okay. हो गया आपका? हम लोग इंस्टेंटेनियस को जनरली स्पीड भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम है हमारे पास एक प्रॉब्लम है ओके, प्रॉब्लम इज लाइक दिस मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं और हम डायरेक्ट आंसर करेंगे दिया हुआ है

जीरो टू फाइव सेकेंड फिर और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीड टाइम। टाइम इज इक्वल टू योर फाइव सेकेंड ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं आप भी हम मेरे साथ सॉल्व करिए अगर नहीं हो रहा है तो देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है देखिए पहले हमें पूछा हुआ है क्या आभरे स्पीड सो so, आभरे स्पीड का फॉर्मूला होता है s अपन द इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज t2 टू माइनस टी सो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है डिस्टेंस इज इक्वली टू 2.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू योर टाइम स्क्वेयर ओके आप एक चीज मार मार करिए कि यहाँ पे जो t है मेरा अगर मैं आभरे स्पीड निकालना चाहता हूँ तो मेरा t यहाँ पे क्या है टाइम इंटरवल t2 टू माइनस टी, टी वन यही तो है टाइम इंटरवल मेरा क्या है t2 टू माइनस टी, टी वन so, सो टी टू इज माई फाइव सेकेंड एंड टी वन इज जीरो सो so, एस मेरा क्या निकल के आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 स्क्वायर यही तो है तो इसका मेरा स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 25 मल्टीप्लाई इज योर 2 2.5 इट विल गिव राइज टू यू 62.5 दैट इज मीटर ओके ये मेरा डि, 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 डिस्टेंस आ गया फिर हमें क्या पूछा हुआ है हमें पूछा हुआ है कि आपको निकालना है एवरेज स्पीड सो so, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं एवरेज स्पीड मेरा क्या है v एवरेज तो है v एवरेज इज इक्वल टू योर s अपॉन t2 t1

तो हम निकाल ले यहाँ पे क्या एवरेज निकाले फिर हमें क्या पूछा हुआ है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकालना है देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस है कैसे निकालते हैं मेरे पास है एस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्र स्क्वायर यही तो है तो मेरा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो डी एस अपन डी है इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इंस्टेंटेनियस ओके सो इसको डेरिवेटिव कर लीजिए क्या निकल के आता है आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप टी स्क्वायर के डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी यू विल गेट टू टी इज इंट इट यस और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए जो आपका है टी इज इक्वल पर तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू फाइव सेकंड क्या है सो टू इंटू फाइव ओके सो यू विल गेट फ्रॉम हियर सो यू गेट मीटर पर सेकेंड सो फाइनल आंसर इज योर ट्वेंटी देखा आपने यहाँ पे एवरेज स्पीड का वैल्यू एक अलग निकल के आ रहा है और आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू अलग निकल के आ रहा है सो so, इसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको आप कर सकते हैं इस तरह से सो so, हम um, प्रसीड करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है वेलोसिटी क्या होना चाहिए? होता है एवरेज वेलोसिटी And okay. इसके बारे में हम बात करते हैं पहले वेलोसिटी क्या होता है आपको सबको पता होगा कि वेलोसिटी मेरा क्या होता है योर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन टाइम ओके distance अपन uh, टाइम okay. वो हो जाएगा आपका क्या Speed हो जाएगा But velocity is योर displacement अपन टाइम ओके So जब मैं बात करता हूं आपके एवरेज वेलोसिटी के बारे में तब मैं ऐसे बोल सकता हूं इसका डेफिनेशन अगर मैं डिस्क्राइब करके लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं द एवरेज वेलोसिटी the average velocity of a particle of a particle in a time interval T one to T two interval T one to T two is defined as is defined as its displacement

सो yes. so, यहाँ पे एक बात आप याद रखिये जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बात करू आप अगर कोर्डिनेट सिस्टम में भी बात करें आपका पोजिशन भेक्टर होता है अगर मेरा एक कोर्डिनेट सिस्टम है एंड बी ओके Displacement between them is a b vector, and you have to write the expression expression for average velocity. Let's suppose you have the position vector, this one is r1 vector and this two, this one is r2 vector. So the position vector of a b will become your r2 minus r1. Okay. That is your displacement vector. So I can write it as your a b vector upon t2 minus t1, or I can also write it as your r2 vector. माइनस आर वन वेक्टर अपन टी टू माइनस टी वन ओके स्टूडेंट्स ऐसे में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ओके सो ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो सेम चीज जब मैंने बात किया था आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट आता है आपका अब क्या करिएगा लेट मी टेक अनदर पेज फॉर यू ओके देखिए जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में दैट इज v इज इक्वल टू योर पोजीशन वेक्टर dr अपॉन dt दैट इज योर मैग्नीट्यूड सो यू कैन आल्सो राइट इट एज dr वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन dt ओके एंड यू कैन आल्सो राइट इट एज ds अपॉन dt ये हो, हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओके एक क्वेश्चन कर लेते हैं आप सबके कन्वीनियंस के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है ये क्वेश्चन है मेरे पास ओके द क्वेश्चन इज लाइक दिस द ए टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड फोर सेंटीमीटर लॉन्ग इट्स मिनट हैंड फोर सेंटीमीटर लॉन्ग ओके फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन सिक्स ए एम टू सिक्स थर्टी एम पूछा है हमें फाइंड करना है द एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टीप ऑफ द टीप ऑफ द मिनिट हैंड ऑफ द मिनिट हैंड ओके फास्ट दिया हुआ है बिटवीन बिटवीन सिक्स ए एम टू सिक्स थर्टी एम एंड सेकेंड में दिया हुआ है बिट्वीन 6 to 6. Okay. ये दो क्वेश्चन है हमारे पास देखिए हम एक इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करिए अप्रोच हाँ, करेंगे आप लोग वेलोसिटी पूछा हुआ है okay so पहले आपका ये काम है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है आप कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे देखिए पहले आपको क्लॉक के बारे में न, पता होना चाहिए एक क्लर्क कैसा होता है ये मेरा एक क्लर्क हो गया minute hand is minute hand is like this you you have three hands generally in a table clock that is your hour hand minute hand and second hand the minute hand rotates around your uh, clock every 60 seconds uh, is equal to your 1 minute okay so you have six here you have five here you have four here and you have three here. You have two here, you have one here, you have twelve here, okay. You have eleven here, you have ten here, you have nine here, you have eight here, you have seven here. Okay. This is like your I have only drawn the minute hand here because the question is asking about your minute hand. Okay. So let's see. सो so, हमारे पहले जो क्वेश्चन ए में दिया हुआ है 6 एएम टू 6:30 एएम मेरा मिनट हैंड ए है मेरा 6 एएम से 6:30 सपोज 6:30 एम जब जाएगा ये इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ पे जो है मेरा मिनट हैंड लाइक दिस इस पर ही होगा क्या बोलते हैं आप लोग इस पर ही होगा ये जो स्पेस हो जाएगा ये मेरा 6:30 होगा ये है 6:30 एएम ही दिया हुआ है यही होगा ना यही होगा So, यहाँ पे जो मेरा देखिए, अगर मेरा जब 6 6 तो okay. मेरा जब होगा, 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 तो बो पे बोलेगा, पर जो होगा, वो क्या है डायरेक्ट मेरा ट्वेल्व एम के पास होगा जब मेरा सिक्स ए एम होगा तब मेरा यहाँ पर होगा जब एट सिक्स ए एम मेरा इट इज वन एटी डिग्री अवे फ्रॉम द 12 But, जब मेरा 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 हो जाएगा, तब तब मेरा minute hand पे 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 होगा? 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 क्या जो कि एंगल करके घूम रहा होगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं इनके सब ऑफ योर सोल्यूशन अगर मैं एक ही बात करूँ जो कि मेरा सिक्स ए एम से सिक्स थर्टी एम तक है एम ओके तब मैं डिस्प्लेसमेंट बारे के बारे में अगर मैं बात करूं तब मेरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मेरा टू इन टूर जितना एट सेंटीमीटर so, हो जाएगा मेरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट तभी मैं भी एवरेज निकाल सकता हूं भी एवरेज मेरा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम डिस्प्लेसमेंट मेरा एट सेंटीमीटर है ओह इट इज नॉट वर्किंग 8 सेंटीमीटर अपन मेरा टाइम क्या होगा मेरा मिनट हैंड सिक्स से 6:30 एम तक आने में कितना टाइम लेता है अगर मैं सेकंड में बात करूं अगर मेरा 30 मिनट होगा तो 30 into 60 1800 सेकंड हो जाएगा ओके okay? समझ पा रहे हैं या नहीं 800 सेकंड होगा क्या नहीं अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका आंसर जो होगा 4.4 10 -3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा या आप आंसर गट करेंगे ओके और मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बिटवीन सिक्स ए एम टू 6:30 थर्टी एम ओके इसी पिक्चर में मैं समझा दूंगा ओके समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको जैसे कि आपको समझ में आ जाए ओके यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं है इसीलिए तकलीफ हो रहा है कोई बात नहीं हम लोग ट्राई करेंगे भाई यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम ही रहेगा क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट मेरा होता है क्या होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो मेरा 2R के बराबर है 2R मतलब एक मेरा अगर एक मेरा अगर टेबल क्लॉक एक सर्कल होता है तो उसका R जो होता है मिनट हैंड होता है अगर R मिनट हैंड होता है तो उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर सो तो मेरा 2R हो जाएगा 8 सेंटीमीटर सो तो मैं जब बात करूंगा भीआरेज इनके सफर योर पॉइंट बी दैट इज योर सिक्स थर्टी पी सो मैं बात यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टाइम का बिकॉज यहाँ पे जो टाइम होगा वो कितना होगा बिटवीन योर सिक्स ए एम बिटवीन सिक्स ए एम एंड सिक्स थर्टी पी एम नहीं होगा क्या आप एम और पी एम के बारे में अगर जानने होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो मेरा टाइम जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव थाउजेंड सेकेंड तो मैं यहाँ पे भी एवरेज निकाल सकता हूँ मेरा एट सेंटीमीटर अपन फोर्टी फाइव थाउजेंड जो कि मेरा निकाल के आ जाएगा आपका वन पॉइंट एट इंटू टेन टू दर माइनस फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड ओके देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ओके आपको सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और फॉर्मूला मेरा क्या है तभी जाके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? तो हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है हमारा तो अगर मैं बात करूं, के बारे में, मेरा क्या होगा एवरेज मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ अपन भी वन अपन टी टू सॉरी टाइम इज नॉट एक्टर क्वान्टिटी टी टू माइनस टी वन ये मेरा हो जाएगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एवरेज का अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सीन के बारे में बात करूंगा तो so इंस्टेंटेनियस मेरा क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू योर यी टी और वी कैन डी अपन डी टी ऑफ योर भी इज डीएस अपन डी टी तो मेरा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ स्क्वायर इज अपन डी टी जाएगा क्या इंस्टेंटेनियस एक्सीन ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा यही सब है जो मैं बात कर रहा हूं आपके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड योर एवरेज एक्सीलरेशन ये मेरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या, क्या कवर किया हमने पहले कवर किया रेस्ट एंड मोशन क्या होता है फिर हमने बात करी

पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो वो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए ओके थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल सो फॉर टूडे आई हैव ऑल दिस फॉर यू थैंक यू विजिट अगेन